Hi friends, my name is Ravi Kumar. Welcome to Accurate Info by Ravi. Today my topic is government job or private job. काफ़ी questions आए, काफ़ी messages आए कि एक government job और private job कौन सा job हम चुने अपने career को चुनने के लिए. तो उसके लिए मैं एक छोटा सा video और एक message भी देना चाहता हूँ. अगर आपको ये video अच्छी लगे, like, share and subscribe. अगर आप मेरे channel पर नए हैं तो please subscribe and bell notification please press. So मैं आगे आने वाली अपडेट्स को आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. इन इंडिया में काफ़ी सारे यंगस्टर्स एवरी ईयर हर साल लाखों ग्रेजुएट्स होते हैं, लेकिन उस कंपैरिजन में हमारे इंडिया में गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब नहीं है. गवर्नमेंट जॉब सेक्टर में जॉब 0.01% ओनली अवेलेबल है. सो हर साल अगर एग्जांपल हम देखें कि 10,000 जॉब्स निकल रही हैं तो उसके जो एप्लीकेंट्स हैं वो 3 लाख या 4 लाख होते हैं और कभी कभी 5 लाख भी पहुँच जाते हैं. सो हर साल 5 लाख एप्लीकेंट्स अप्लाई करते हैं उस जॉब के लिए, 10,000 वैकेंसी होती हैं, जो 4,90,000 हैं उनको जॉब नहीं मिल पाती है, फिर वो अपने करियर के लिए इधर उधर भागते रहते हैं. तो मैं एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि हाउ टू सेव योर करियर एंड योर राइट वे. सो आप अगर ग्रेजुएट हैं तो मैं एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करें और साइड बाय साइड मैं और से बता रहा हूँ कि आप कुछ तैयारी करें ताकि आप 1 या 2 साल बाद अगर गवर्नमेंट जॉब अप्लाई कर रहे हैं और आपको मिल जाती है, इट्स वेरी वेल एंड गुड. अगर आपको किसी वजह से नहीं मिल पा रही है क्योंकि कंपटीशन इज़ टू हाई, बहुत ज़्यादा है. ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं एप्लीकेंट्स के पास कैपेबिलिटी नहीं है, कैपेबिलिटी बहुत सारी है, लेकिन क्या कंपटीशन टू हाई, डिमांड वेरी स्मॉल सप्लाई वेरी बिग, इसको इकोनॉमिक्स टर्म्स में. सो अगर आप अप्लाई कर रहे हैं इस वेरी वेल और आप मेहनत करके उसमें ट्राई करें, अगर आपको जॉब लगती है अच्छा है, अगर नहीं लग पा रही है कोई बात नहीं है, आप प्राइवेट सेक्टर की तरफ भी मूव कर सकते हैं. देखो जॉब का पर्पज़ क्या होता है, 10 या 12 साल आदमी जॉब कर ले, अगर उस 10 या 12 साल में जो भी अर्निंग होती है उसको राइट वे में इन्वेस्ट करें तो आप आने वाले 10 या 20 साल आप उसमें इंजॉय कर सकते हैं और अपनी बेसिक फैसिलिटीज़ को, बेसिक नीड्स को आप पूरा कर सकते हैं, लाइक फैमिली सर्वाइव और आपकी जो लाइफ है वो आप उसमें सिक्योर कर सकते हैं. सो गवर्नमेंट सेक्टर्स में बहुत कम जॉब है, आपको ये पता लगा. अब आ गया प्राइवेट सेक्टर. प्राइवेट सेक्टर में भी काफ़ी अच्छी इंडस्ट्री है जो अच्छी पे कर रही है, थोड़ा काम ज़्यादा होता है इस अनदर फैक्टर, बट बहुत ज़्यादा सैलरी मिल रही है. अगर आपको उसमें स्किल के हिसाब से आप मैच मेकिंग करते हैं तो आपको जॉब अच्छे से मिल जाती है. एग्जाम्पल अगर हम IT के फील्ड से देखें, अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर लर्न आता है आपको 40-50 हज़ार रुपये आराम से इंडिया में मिल जाते हैं स्टार्टिंग लेवल पर. 20-25 अगर आप 3 या 4 साल मेहनत करेंगे आपको अच्छी खासी सैलरी उसमें मिल जाएगी. तो आप जो सैलरी आती है, जो इनकम आती है, आप उसको अदर वे में इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी कर सकते हैं. सो स्किल को डेवलप करके आप प्राइवेट जॉब सेक्टर में कर, मैं किसी में भी कहूँगा. हम टीचिंग की बात करें, ऑफलाइन में थोड़ा कम पैसा है, ऑनलाइन में थोड़ा, टीचिंग में बहुत ज़्यादा पैसा होता है. सो अगर IT में बात करें कि अगर हम आप अपनी छोटी सी सॉफ्टवेयर कंपनी खोल सकते हैं, सॉफ्टवेयर कंपनी में ज्वाइन कर सकते हैं और आप अब्रॉड भी जा सकते हैं. सो कुछ प्रोफेशनल कोर्स हैं, आप कुछ करके उनको प्राइवेट जॉब अच्छा खासा कमा सकते हैं और उस जो कमा रहे हैं उस पैसों को आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं टू मेक मोर मनी. सो एक ये छोटा सा एग्जांपल है. तो आप अपनी लाइफ को 10 साल बाद आप अपनी लाइफ को देखेंगे कि मैं बहुत सिक्योर हो चुकी है मेरी लाइफ. सो एक एग्जांपल है कि 10 साल काम करो, इस 10 साल के पैसे को किसी और जगह पे इन्वेस्ट करके आप उसे पैसिव इनकम बना सकते हो. जब आपकी पैसिव इनकम आएगी, आपका अर्निंग सोर्स होगा, तो इज इक्वल अ ह्यूज अमाउंट. सो आप अपनी लाइफ को अच्छी खासी गुजार सकते हैं. तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी नहीं भी लगी प्लीज़ कमेंट्स करें. और मैं आगे आने वाले समय में कुछ और वीडियो बनाना चाहता हूँ कि हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू सेव योर करियर, हाउ टू चूज़ द करियर. देखो गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब दोनों में ही जॉब है, लेकिन आप डिमांड एंड सप्लाई को समझो कि गवर्नमेंट में जो डिमांड है वो बहुत कम है, प्राइवेट में डिमांड है, सप्लाई भी ऑलमोस्ट क्वाइट ओके. अगर हम कंपटीशन की बात करें तो प्राइवेट जॉब में थोड़ा कम कंपटीशन है, गवर्नमेंट में तो ह्यूज कंपटीशन, बहुत बहुत कंपटीशन है. सो आप साइड बाय साइड अपना करियर और किसी जगह भी ट्राई कर सकते हैं. आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, स्मॉल शॉप खोल सकते हैं, बिजनेस न्यू स्टार्टअप कर सकते हैं. काफ़ी आने वाले समय में मैं ऐसे वीडियोस बनाऊंगा कि कौन सा स्टार्टअप स्टार्ट बिजनेस कैन मेक मनी, मैं आपको कुछ डिटेल भी देना चाहता हूं. सो अगर ये आपको ये वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़.